एक अनमोल भजन आप लोगों के बीच में बाण भाई का। मैं अक्सर भजन गाता हूं बाण आके भाइया के, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पूरे भजन तो सुनते को ना, आधे भजन सुनेंगे फोन मिला देंगे। खासकर ये छोरी गणी मिलाऊं फोन, फोन मिला के कहूंगी आ रे भाई तू सारी आन बाण आए मकमी काटे जा सके, अरे मेरा भाई नूर है यू खराब रहा अरे हमने बुलंदा है कोनी। फिर मैंने कहूंगा ये गाडन जोगी पहला दूसरा भजन तो सुन ले, जिसमें मैंने न्यू भी बता रखा सके भाई भी माड़े हो से अच्छा रही सा भी गा रखा, मैं कहा गा रखा फिर फोन काटगी फिर सुनेगी हाँ भाई गा रखा न्यू। कई भाइया के फोन आओगे भाई साहब तू सारी आन भाई भाइया मकमी काटे जा है मेरी बाण मेरे तो मुंह तो भी कौन बोलती ना मर आंदी जानती है मेरे यार मारी क्यों बुराई करे अगर। फिर मैंने कहूंगा भले आदमी पहला पूरे भजन तो सुन दे, इसे इसे भजन भी गा रखे जिसमें बाण भी कुलक्षणी हो जा भाई की जड़ कट है भाई ने देख कर राजी नहीं आना जाना बंद। अच्छा रे इसे भी गा रखे के नाम है फलाना नाम से यो भजन सर्च कर फिर कहेंगे ठीक से। तो इससे पेंडा छुटवाने के लिए मैंने एक ही सा भजन बनाया, मैं तो कौन बनानी है भगवान से बनवाने वाला, कि जिसमें एक लाइन भाई की और एक लाइन बाण की, कमी भाई में भी उसका है और कमी बाण में भी उसका है, खूबी एक भाई में भी उसका है और खूबी एक बाण में भी उसका है, दोनों ही लाइनें ऐसी हैं, एक लाइन भाई के ऊपर है एक लाइन बाण के ऊपर है, एक मिक्स ईसा भजन शायद पहले किसी ने बनाया हो, बहुत अच्छी लाइन लिखी गजब की, जिससे भाइयों को भी सीख मिलेगी और बाण आना भी सीख मिलेगी। तो मैं आप लोगों से हाजिर को प्रार्थना करना चाहूंगा ध्यान तक बैठ कर सुनिए इन भजनों ने, बातचीत बंद कर दो, मैं किसी ने न्यू निकंदा नाच के हाजिरी लगाओ जयकारा लगाओ ताड़ी बजाओ, मैं तो सिर्फ न्यू कहूंगा इन बोला ने ध्यान तक सुनियो मेरी बहनों और जितने भाई बैठे हो वो भी जिसके बाण है शायद किसी का अकल लाग जा और जो सी बाण बैठी है इसी से भी पाऊं कि जो अपने भाई तक नफरत करें बेबे इस भजन ध्यान तो सुन दियो दिमाग ठिकाना आ जाएगा इसी बात नहीं है, लेकिन सुनना सुनना नहीं इनको जीवन में धारण करना इन बोलों को। लिखने वाले ने बहुत ही गजब के बोल लिखे कि अरे बाण भाई का प्यार तो भाई जन्म जन्म का प्यार हो है, बाण भाई के प्यार से ऊपर कोई प्यार नहीं अगर कोई समझे तो। आज घनखरे भाई अपनी बाण तो टूटे बैठे हैं, घनखरी बाण अपने भाइयों तक टूटी बैठी है जो कि 100% गलत है बिल्कुल गलत है, इसी के ऊपर मैंने ये भजन लिखा है। एक एक बोल ध्यान से सुनना, बातचीत छोड़ दो और सारी जनी ध्यान तो सुनेंगे बेबे, सारे भाई ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ मिलकर गाएंगे इस भजन को। आइए ऐसे ऐसे प्यार बहाने मत टूटो भैया ते, हर एक लन भैया खतर भाइयो थम भी करो विचार दूर ना हो माजैया ते, किसी का ब्योंत गर्म है किसी का ब्योंत नरम है, किसी के लाई आग नहीं लग दी इतनी माया पड़ी है, किसी के डंगसर खान में दाने कोन्या, लेकिन इसका मतलब यो तो नहीं कि जिसका ब्योंत हो बस ओए सब की में हो, ऐसा नहीं है। ब्योंत का गिल्ले रिश्ते नाते ना रखो, रिश्ते नाते रखो दिल से। मैं तो इस चीज को सोच करके हैरान हो जाता हूँ कई बार, अरे एक माँ की गर्भ तय एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले बाल भाई भी बदल जाते हैं बड़े होकर, कमाल है हद है। क्या हम दुनिया के अंदर रुपया पैसा धन दौलत में लवेली घर धरती यही कमाने के लिए आए हैं? क्या रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते? हद होगी भाई जुलम हो गया, ध्यान तो सुनो एक एक बोल भीतर में उतर जाएगा क्या। ओ सहजन जन्म का प्यार
भाई ने गलत नहीं बोलेगी। लोगों का आग्रह गोली का घा भर जाएगा लेकिन बोली का घा को ना भरा करता। आदमी मरना मर जाएगा नु कहगा मेरे भीतर में दरीज है जो तने कही थी। चाहे लाख बार माफी मांग लो लेकिन वो समय निकल जाता है जो तुमने बोल मारा था ना वो मिटता को ना वो भीतर में दरिया रह जाए। सच्ची बात अपने भाई का कदे पहना बोल नहीं मारेगी बुराई तो बचेगी कोई सा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उसके भाई के ऊपर बुराई आवे। पीर पीर में भी पल्ले बोझ करेगी और ससुराल में भी ध्यान तरवगी कदे मेरे भाइया की इज्जत का कि मैं दाग लाग जा बुराई से बचेगी। असली एक सच्ची बाण के विषय में नंबर एक पर कैसे लिखा बला के है। देखे एक सच्चा भाई खराब होगा व्यवहार का, एक भाई तो वो है जो दिखावटी होता है बोर बटाई का भूखा बात में पूरा जोर ला देगा पीड़िया देना का उसमें पूरा जोर ला देगा और बाण चाहे कितनी दुखी हो मन मन ने फोन बिना उठावे क्यों न्यू मेरा पीड़िया में जोर लाओगा बात में जोर लाओगा ना लोग तेरी बटाई करेंगे ओहो इतना दम दे गया साला ये कर गया। लेकिन पितर में बाण के लिए इज्जत नहीं होती बाण की कदर नहीं करता अंदर से बेबे दुखी है कदे दुख सुख नहीं पूछे फोन भी ना करे और बड़ाई में टूटा रहेगा। भाई बना तो उड़े कामयाब हो जो दुख सुख में बाण का दौरा खड़ा रहे चाहे दो पीसे कम दे दो बात में पीड़िया में छुचक में जो भी हमारे रीति रिवाज बनाएंगे उसमें से कम सहयोग कर दो लेकिन जो बाण का दुख सुख का साथी है ना वो सच्चा भाई से क्योंकि बाण भाई की प्रीत बड़ी न्यारी है दुनिया से अलग है कैसे भला बाण भाई के दिल जड़े मिल जाना दोनों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। बाण भी राजी रहेगी भाई भी खुश रहेगा कि मैं खुशी बाण का घर में आ जाएगी कूदता फिरेगा ओहो भगवान ने बड़ी सुनी बे मेरा भाणजा नौकरी लग गया खुशी में फूल जाएगा जमा अरनू है बाण
ओहो बहुत बढ़िया है अरे भाई, भाभी का छोरा हो गया। अरे भाई छाती कर ली कर ले भाई, कान्ना के बाले बनवाऊंगी, सोने के भारा भारा बनवाऊंगी, कदे छोटे छोटे पतले पतले बनवाओ भाई। ये बाण भाई का प्रेम है, लाड है बाण भाई का, कोई समझे तो सही और ना तो कुछ नहीं है। बाण भाई के बीच में मजाक भी होते हैं, लाड भी होते हैं, और रूसा मनाई छोटी मोटी चल दी रहा करे, लेकिन इसका मतलब यू नहीं कि छोटी सी बात पे तम बाण न तोड़ के भगा दो, या छोटी सी बात पे बाण अपने भाई तरूस पे बैठ जा कदे बोल ही नहीं, ये मतलब नहीं है। मानो रिश्ते नाते एक किताब है, देखो मान लो कि रिश्ते नाते एक किताब है और गलती सलती उसके पेज है पन्ने हैं, अगर कोई गलती सलती होगी तो उस पन्ना ने पाड़ के भगाओ, उस किताब ने क्यों फेंको। रिश्ता तो हमारा है, कई लोग कहेंगे मैं क्यों माफी मांगू, मेरी बाण माफी मांगेगी, पहले गलती उसने करी है, और कई बाण लोग कहेंगे मैं क्यों माफी मांगू, भाई मांगेगा। अरे रिश्ता तो आपका ही है, के जुलम हो गया, पहले वो माफी मांगने के, तो माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी होता है। मैं तो विनती करना चाहता हूँ जितने बाण भाई मेरे इस वीडियो में देखने लग रहे, बेबे जे भाइया तो टूटी बैठी हो तो इब्बे जाकर मना लो कि बरा कैदनी की जिंदगी हिनु मर जाओगी, और भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अरे भाई ये बाण बेरा ने कह देने की है बेचारी, मत माना तेरी जिंदगी थोड़ी हो या तेरी बाण की जिंदगी थोड़ी, अगर रूस से बैठे हो तो जाकर के अपनी बाण न मना लो। लोगो दिल में अगर प्रेम नहीं तो इस धन दौलत का किमें नहीं बनता, या नूह रह जाएगी तेरी दराई, या बीजबे सुतरी लागे सज रिश्ते नाते चुगर दे राम राम की धूल शिवडर, सारा सारी दुनिया ने गर्व करेगी हमारा भाई है या हमारी बाण है। जब जीवन में अड़ान का फायदा है ना, तो भाई रोटी खा के और बच्चे पैदा तो भाई पशु पखेरू भी करते हैं, वो कोई जीवन नहीं है। जो प्यार मोहब्बत को समझे, एक दूसरे की इज्जत करे, भाईचारा न माने, रिश्ते नात्या की कदर करे, वो जीवन है। इंसान का चोला अगर पाया तो इंसान वाले कर्म भी करो, यूं खाम खाई धरती पे बोझ बनने का कोई फायदा नहीं है। लिखने वाले नंबर 3 पर गजल कैसे खबर बधाई।